थर्ड स्टेप इसमें ये है कि थिंक अबाउट देयर ऑफर, जो वो ऑफर दे रहे हैं उसको पहले समझें, आप उसको मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई चेंजेस करनी है कमी पेशी करनी है तो आप उसके साथ डिस्कस करें. नाउ दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन डिसाइड ऑन अ प्लान ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई विच टर्म्स यू कैन वर्क विद एंड विच नीड टू बी रीनेगोशिएटेड. डोंट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ फोकसिंग सोली और MDA while that number is important, you should view the contract historically. Consider which items have the largest impact. Are they top sellers? Amazon want to do business with you as long as you are making money for them. A top selling product can give you more leverage to negotiate with. अगर ये जो बिजनेस है बेसिकली तब तक ही चलता है जब आपका प्रोडक्ट बिक रहा होता है, जाहिर सी बात है. अब आपने उनके साथ डिस्कस करना है जी कि जो वो ऑफर कर रहे हैं आपको वो चीज मैनेज आपको हो रही है, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन आपको क्लियर है, कोई उसमें मसला तो नहीं है. ठीक है, आपने अपने जो मार्जिन है उनके साथ डिस्कस करने हैं. Amazon उन्हीं प्रोडक्ट्स को ये इस तरीके से लेके चलता है जो बिक रहे होते हैं. ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अदरवाइज वो निगोशिएट नहीं करता या वो ऑफर नहीं देता है सेलर्स को, टॉप सेलर्स को. तो फोर्थ स्टेप इसमें ये है कि निगोशिएट, राइट एन ईमेल आउटलाइनिंग योर नीड एंड कंसर्न्स, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल, एक्सप्लेन विच टर्म वर्क फॉर यू एंड विच वंस डोंट. But remember to always keep the focus on Amazon's customer and Amazon's bottom line. You can explain why these terms will cause a cost increase. The company is based on frugality and customer obsession, so they don't want the cost to be raised to the customer either. अब इसके अंदर जो कस्टमर के हवाले से बातचीत आप कर सकते हैं जी, कि जो प्रॉफिट मार्जिन है अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो, तो वो कस्टमर को वो चीज मैनेज कस्टमर कर सकता है या नहीं कर सकता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस आपने डिस्कस करनी होती है. शेयर स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर इश्यूज दैट Amazon प्राइसिंग हैज कॉज फॉर योर प्रोडक्ट एंड Amazon's कस्टमर ओवर द लास्ट ईयर. अब आपके पास जो इश्यूज हैं प्राइसिंग के हवाले से, अमेज़न ने जो प्राइस आपके साथ शेयर की है कि जी ये प्रोडक्ट पहले आप फॉर एग्जांपल आप $5 की बेच रहे थे, अमेज़न आपको कहते जी यही प्रोडक्ट आपने बेचनी है $10 की, ठीक है, या $8 की या $60 की, तो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे जी कि जाहिर सी बात है आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन तो आपने कम करना नहीं है, कहीं पे अगर करना भी पड़ेगा तो आप बहुत कम मार्जिन है कि आप वो उसको कम कर सकते हैं. हाँ, एक चीज है कि जी फॉर एग्जांपल आपके 100 पीस पर डे एक दिन में आप सेल आउट कर रहे थे, Amazon जब उस चीज को वेंडर सेंट्रल पे लेके जाएगा तो आप एक प्रोडक्ट जो $5 का था और 100 प्रोडक्ट आप पर डे सेल कर रहे थे तो आपको $500 मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर Amazon आपको कहता है जी कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा था पर डे वो 100 प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट $2 आपको बच रहे थे, $3 की कॉस्ट थी प्रोडक्ट की, $2 आपकी सेविंग थी, Amazon आपको ये कहता है जी कि आप पर डे कमा रहे थे $200, अगर आपको वही $800 मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये कि 100 प्रोडक्ट की बजाय आपके 400 प्रोडक्ट बिक रहे होंगे वेंडर सेंट्रल के ऊपर, तो आपके लिए एक ये अच्छी बात है. आप कहीं पे अगर वो आपको कहता है जी कि आपको $400 की बचत होनी शुरू हो जाएगी पर डे जो आपको हो रही थी पहले $200 की, तो आप उसमें निगोशिएशन कर सकते हैं. ठीक है, जाहिर सी बात है कि चीज बिक्री होगी जितनी ज्यादा सेल आउट होगी, अगर कहीं प्रॉफिट मार्जिन आपको कमी बेशी करनी पड़ भी गई है तो आपकी चीजें तो ज्यादा बिक रही हैं, आपके पास सेल ज्यादा हो रही है, तो आप वहां से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं.
ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं प्राइस को बढ़ाना, ये ना हो कि जी कस्टमर आपकी चीज खरीदना ही छोड़ दे। प्राइस भी उतनी बढ़ाएं जितनी कस्टमर बियर कर सके। रिमाइंड एमेजॉन ऑफ योर प्लान्ड इंक्रीज एएमएस स्पेंड, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाइक वाइन और कूपन्स, इंक्रीज पीओ फुलफिलमेंट्स। मतलब आपके पास जो आपने अगर कीमत बढ़ानी भी है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, कोई कूपन्स आप दे रहे हैं या कोई आपने काम किया है, कैंपेन्स चलाई हैं, तो अगर उनकी भी कॉस्ट आपने निकाल ली है, तो आपने प्रॉपर एमेजॉन के साथ जो है ना चीजें डिस्कस करनी है कि जी इस हद तक हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर आपसे भाग सकता है। Ask them to explain the value or return on investment for the terms they are offering. अब आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी चीजें डिस्कस करनी है कि जी जो चीजें आपने जो जितनी भी प्राइस या पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं या Amazon इन्वेस्ट करता है या जो भी चीजें हैं, तो उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ डिस्कस हो रही हैं, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन भी करना है और क्लियर भी करना है आपने। इसके अलावा काम नहीं चल सकता। उसके बाद पॉइंट आउट विच टर्म्स यू आर कंफर्टेबल विद एंड विच वंस आर अनटेनेबल। अब इसके अंदर यह है कि जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ डिस्कस हुई हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें आपको एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन सी चीजें अमेज़न को एक्सेप्टेबल हैं, आपने उनको पॉइंट आउट करना है। जो चीजें एक्सेप्टेबल हैं वो भी बता दें, जो चीजें नहीं एक्सेप्टेबल आप वो भी उनके साथ अच्छे तरीके से लेकिन प्रोफेशनल वे में, पोलाइट वे में आपने उनके साथ डिस्कस कर दी। एट दिस पॉइंट Amazon मे रिस्पॉन्ड विद रिवाइज टर्म्स, यू मे नीड टू गेट ऑन द फोन अगेन टू टॉक थ्रू स्टिकिंग पॉइंट्स, बी फेम विद फ्लेक्सिबल, मेक इट क्लियर दैट changes you are asking for are the best interest of the customer. मतलब अगर कहीं कोई चीजें या टर्म्स आपके साथ उसने दोबारा शेयर की हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दोबारा बातचीत करनी पड़ेगी उनके साथ और अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लें ताकि आपके कस्टमर के इंटरेस्ट में वो चीज बेस्ट रहे, ठीक है, आपका कस्टमर उस चीज से डैमेज ना हो। फिफ्थ स्टेप इसमें ये है, लास्ट स्टेप है ये, sign the agreement or don't when and only when you have settled on favorable terms you can sign the agreement. If you cannot settle on favorable terms, it's time to make some hard decisions. Do you let your margin shrink but stay on Amazon? कि क्या आप अपने margins को कम कर सकते हैं और Amazon पे रुकना चाह रहे हैं या नहीं रुकना चाह रहे हैं? Walk away from Amazon and sell somewhere else. अगर आपको terms and conditions उनकी acceptable नहीं है, तो Amazon आपको ये कहेगा जी कि आप उसका partner नहीं बनना चाह रहे, तो हो सकता है कि वो आपके account close कर दे कि आप यहाँ पे ये चीज sell out नहीं कर रहे कर सकते हैं। वो हो सकता है कि किसी और seller के साथ contact कर रहे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर Amazon का उसमें इंटरेस्ट है तो वो आपकी चीज को अलाउ नहीं कर सकता कि आप वो चीज सेल आउट करें, ठीक है। अगर आप वहां पे जाएंगे, कोई चीजों को नहीं मानेंगे, टर्म्स को नहीं मानेंगे, तो उनका रद्देमल भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है। टेक द बोनस स्टेप मेंशन्ड बिलो। अब इसमें बोनस स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। कंसीडर अ मूव टू सेलर सेंट्रल, इसमें यह है कि वापस अगर आप सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, इफ द Amazon वेंडर रिलेशनशिप इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर योर बिजनेस, यू कैन कंसीडर अ मूव टू सेलर सेंट्रल। मूविंग टू द सेलर सेंट्रल विल गिव यू मोर फ्रीडम ओवर प्राइसिंग, बेटर रिपोर्टिंग एंड मोर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। यू विल ऑल्सो गेट अक्रॉस एक्सेस टू द ब्रांड इनहेंस्ड कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म which lets you create more dynamic visually appealing product pages. अब ये enhanced brand content, जैसे मैं दराज में आपको बता रहा था
कि आप अपने प्रोडक्ट को या स्टोर को बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसी तरीके से दराज में जैसे ये काम होता है, इसी तरीके से Amazon के ऊपर ये काम इनहेंस ब्रांड कंटेंट इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की बड़े अच्छे तरीके से वीडियो बना लें, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और चेक करेंगे ब्रांड इनहेंस ब्रांड कंटेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें आप अपने स्टोर को बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं अट्रैक्टिव वे के अंदर कस्टमर के सामने। तो ये वो चीज है। तो आप अपने विजुअली आप अपने प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से शो करवा सकते हैं कस्टमर के सामने, डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप वापस सेलर सेंट्रल पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वेंडर सेंट्रल के अगर टर्म्स आपको नहीं एक्सेप्टेबल हैं, आप उनके साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, आप उनको ये कह सकते हैं कि जी मैं सेलर सेंट्रल पे ही सेल आउट करना चाहूंगा काइंडली, मैं वेंडर सेंट्रल पे नहीं, ठीक है। तो जो मार्जिन्स या इस तरीके से डिस्कशन के बाद आप वापस यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो आपके अकाउंट को या प्रोडक्ट को वहां से बैन कर सकते हैं। अगर आप वहां पे ये कहेंगे ठीक है नहीं मैंने तो ये काम करना है, वो कहेंगे नहीं जी ये काम आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। पोलाइटली बात करें, प्रोफेशनल वे में बात करें, उनके साथ जो है वापस आ जाए सेलर सेंट्रल के ऊपर, वहां से अपने कस्टमर के साथ इंगेज हों, अच्छे तरीके से डिस्प्ले करें और अपने प्रोडक्ट को वापस उसी रूटीन के ऊपर सेल आउट करना शुरू कर दें। Seller Central also brings its own complications. PPC जो pay-per-click की campaign मैंने आपके साथ discuss की थी, and advertising tools are less robust. More of the administrative burden falls on the seller, and it's up to you to forecast inventory needs and timelines. Also, Seller Central has its own menu of fees. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सेलर सेंट्रल की, तो सारी की सारी फीस को, कमीशंस को ये जो अमेज़न है उसके हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे कैसे अमेज़न फी काटता है एफबीए के अंदर, एफबीएम के अंदर क्या क्या इनके मार्जिन होते हैं। तो ये सारे के सारे उसी तरीके से आप वापस उनको पे कर सकते हैं, पेपर क्लिक की कंपेन चला सकते हैं और सब की सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने ही सब काम मैनेज करने हैं। अगर आप एफबीए का मॉडल चूज कर लेते हैं तो उसके अंदर उस तरीके से प्रोसेस चलेगा, अगर एफबीएम का मॉडल चूज करते हैं तो उसके अंदर भी आपका अपना सिस्टम उसी तरीके से चलता है। इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्ट्स अंडर $15 बिकॉज द मार्जिन्स आर जस्ट टू स्मॉल। मेक दिस मूव ओनली इफ यू कैन सी अ क्लियर बेनिफिट टू डूइंग दिस।